आज 17 मई 2020 बुद्ध पूर्णिमा के महोत्सव के विशेष अवसर पर ये धम्म देशना हम दे रहे हैं। सुखो बुद्धानं उपादो सुखो सद्धम्मदेशना सुखो संघस्स सामग्गी समग्गानं तपो सुखो। बुद्ध का निर्माण होना इस धरती पर बड़ा कल्याणकारक, बड़ा सुखदायी होता है। सद्धम्म सुनने के लिए मिलना अपने जीवन यात्रा में बड़ा सुखदायी होता है। हम कल चर्चा कर रहे थे 10 पारमिता पर कि ये 10 पारमिताएं कैसे हमारे संकटों में, परेशानियों में ये कैसे काम आती है, बीमारी में कैसे काम आती है, हर दिक्कतों में कैसे वो हमारा आधार बनती है और कैसी महान है ये 10 पारमिताएं, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। कल हमने दान पारमिता पर विशेष व्याख्या की। आज जो दूसरी पारमिता है उसे कहते हैं शील पारमिता, यानी शीलवान बनना, सद्गुणों को बढ़ाना। ये शील हर एक व्यक्ति के लिए बड़ा कल्याणकारी, बड़ा सुखदायक होता है अपने वर्तमान जीवन के लिए, अपने पारिवारिक जीवन के लिए, लड़के बच्चों के लिए, सामाजिक जीवन के लिए, हर जगह पर यह शील सदाचार का जो पालन है वो बड़ा ही कल्याणकारी है, बड़ा ही कल्याणकारी है। दो तरह के आदमी होते हैं, एक तो सील को तोड़ने वाले, सील का पालन न करने वाले, दुराचार में पड़े रहने वाले, सील को हमेशा भंग करने वाले, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। और दूसरे लोग होते हैं कि सील का बड़े कड़ाई से जानबूझकर, सोच समझकर उसका पालन करने वाले लोग। तो उनमें जो पालन करने वाले लोग हैं वो प्रशंसनीय है। सही में मानव समाज या हमारा परिवार या मानव जीवन, ये समाज सील पर ही प्रतिष्ठित है। सील यानी कंडक्ट, बिहेवियर, हमारा आचरण, कि जब हम समाज में रहते हैं, एक दूसरों के साथ हम जब रहते हैं तो कुछ नियमों का, कुछ आचरणों का, कुछ सिद्धांतों का हमें पालन करना ही होता है, तभी समाज में शांति सुख प्रस्थापित हो सकता है। यदि हमने उसका पालन नहीं किया, अपने मनमानी ढंग से चलने लगे तो समाज कभी सुखी नहीं रहेगा, व्यक्तिगत जीवन भी कभी सुखी नहीं रहेगा और बड़ी बर्बरता, बड़ा अन्याय और बर्बरता जहां वहां फैल जाएगी। इसीलिए ये जो समाज को चलाने के लिए,
कुछ न कुछ सिद्धांतों का होना बड़ा अनिवार्य है। तो उन दिनों 2600 साल पहले तथागत भगवान बुद्ध ने मिनिमम ये जो पंचशील बताए कि पांच शीलों का पालन समाज के सुव्यवस्था के लिए, सुचारू ढंग से समाज चलने के लिए ये बड़ा जरूरी है। हमारे गांव के सुख शांति के लिए, हमारे मोहल्ले के सुख शांति के लिए, शहर के सुख शांति के लिए, देश के सुख शांति के लिए ये पंचशील की बहुत जरूरत है। हर एक आदमी के लिए बहुत जरूरत है, देश विदेश के लिए सभी के लिए बड़ी जरूरत है उनकी। क्या है पंचशील में? पंचशील में आता है कि जो हमेशा कहा जाता है, पानाति पाता वीरमणि सिक्खा पदं समाधियामि, मैं किसी की हत्या, किसी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा, इसकी मैं प्रतिज्ञा करता हूं। किसी को मारूंगा नहीं, काटूंगा नहीं, इसकी प्रतिज्ञा करता हूं। दूसरा सील है अदिन्ना दाना वीरमणि सिक्खा पदं समाधियामि, मैं किसी की चोरी नहीं करूंगा, जो चीज मेरी नहीं है, मैं जानता हूं कि ये मेरी नहीं है, उसे उनके अनुमति के बिना नहीं उठाऊंगा, नहीं ले जाऊंगा, जब तक वो नहीं देता मुझे नहीं ले जाऊंगा। चोरी नहीं करूंगा किसी की, बड़ा साधा सरल नियम है। उसी प्रकार तीसरा नियम, कामे सुमिच्छाचारा वीरमणि सिक्खा पदं समाधियामि, यानी मैं अनैतिक व्यभिचार, काम वासना से वशीभूत होकर अनैतिक ऐसा काम नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, किसी पराये स्त्री पर मैं बुरी नजर से नहीं देखूंगा। उम्र के हिसाब से मेरी लड़की जैसे स्त्री को देखूंगा, मेरे माता जैसी उसे देखूंगा, मेरे बहन जैसी उसे देखूंगा, बुरी नजर से नहीं देखूंगा। ये सील है। उसी प्रकार पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए, कि जो स्त्री महिला वो भी पराये पुरुष को वो अपने लड़के के समान समझे, अपने भाई के समान समझे, अपने पिता के समान समझे, और इस प्रकार का वो आचरण बनाए रखे, तो ये तीसरा सील आता है। फिर चौथा सील, मुसावादा वीरमणि सिक्खा पदं समाधियामि, यानी मेरे वाणी से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा, जो सच है वही मैं बोलूंगा, मेरे वाणी से किसी की झूठी चुगली नहीं करूंगा मैं। ये चुगली करना ये वाणी का दुराचार होता है। मैं मेरे वाणी से कभी किसी को गाली गलौज नहीं करूंगा, झगड़ा फिसाद नहीं करूंगा, वाणी से कटु वचन नहीं बोलूंगा। और मेरे वाणी से मैं निरर्थक बातें नहीं करूंगा कि जिसमें कोई अर्थ नहीं है, मेरा भी समय बर्बाद, दूसरों का भी समय बर्बाद, ऐसा मैं वाणी से नहीं बोलूंगा, वाणी का सदुपयोग करूंगा। यह है चौथा सील। और पांचवा है, सुरा मेरय मज्ज पमाद ठाना वीरमणि सिक्खा पदं समाधियामि, मैं कोई नशापात नहीं करूंगा कि जो मेरे मन को भ्रमिष्ट करे, ऐसी नशा दारू शराब या गुटखा ड्रग्स तंबाकू आदि कि जो मेरे शरीर के लिए हानिकारक है, मुझे भ्रमिष्ट बनाते हैं, तो ऐसे इन व्यसनों से मैं दूर रहूंगा। तो ये बड़े सिंपल लगते हैं,
लेकिन इसका पालन करना होता है अपने जीवन में। यदि नहीं मैंने पालन किया सीलों का तो क्या होगा? यदि मैं किसी की हत्या करता हूं, किसी को मारता हूं, तो बुरा काम हो गया है मेरे हाथों से। मैं कभी किसी की चोरी करता हूं तो चोरी करना बुरा हो गया है। मान लो बड़ी मेहनत से हमने कुछ पैसा जमा के रखा है, बड़े मेहनत से हमने खेती की है, अनाज पकाया है, और दो चार महीने छह महीने मेहनत करके जो अनाज मैंने इकट्ठा किया पकाया, और कोई आकर उसे चुरा कर ले जाता है, तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? कितना मुझे दुख होगा। बड़े अच्छे ढंग से मैं मेरे धन की रक्षा करने का प्रयास करते रहता हूं और कोई मेरा धन चुरा ले जाता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। इसी प्रकार मैं यदि किसी का धन चुराता हूं, किसी को ठगाता हूं, तो उसे भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। उसको मैं दुख दे रहा हूं, परेशान कर रहा हूं। उसी प्रकार झूठ बोलना, यदि हम झूठ बोलते जा रहे हैं, झूठी गवाह दे रहे हैं, कोई आदमी मेरे गवाह के कारण फंस रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, और मैं किसी लोभ के वशीभूत ऐसी झूठी गवाही देता हूं, जानबूझकर झूठ बोलता हूं, तो किसी को मैंने परेशान किया, किसी को मैंने दुखी किया, कष्टी किया। तो इस प्रकार के ये जो सील है, इसका पालन करना मेरे भी हित के होते हैं, ये दूसरों के भी हित के होते हैं, किसी को दुख देने वाले नहीं होते। इसीलिए उसका पालन बड़ा अनिवार्य होता है। देश चलाने के लिए, शहर चलाने के लिए, देश चलाने के लिए और परिवार चलाने के लिए शील का होना ये मानवता के लक्षण है, ये प्रगति के लक्षण माने जाते हैं, मानवता के लक्षण है। तो शील ही समाज में सुख शांति प्रस्थापित करता है। इसीलिए आज देखो पंचशील को, कि जो पंचशील तथागत भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले एक सील के रूप में बताए, आज उसे सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके संविधान में, उन्हें कानून करके उसको माना गया है, कड़ाई से उसका पालन किया जाता है। कोई भी देश की संविधान ये नहीं कहेगा कि तुम चोरी करो, चोरी करने वाले को किसी भी देश का संविधान, उसकी राज्य घटना उसे दंडित करती है। किसी का खून खराबा करने वाले को किसी भी देश की राज्य घटना उसे दंडित करती है। इसी प्रकार पराये स्त्री पर बुरी नजर डालने वाले को, कोई व्यक्ति हमारी मां बेटी पर बुरी नजर डालता है, तो कोई भी देश का संविधान उसे सही नहीं कहेगा, उसे दंडित करेगा, उसे जेल में डालेगा कि तुमने ऐसा बलात्कार किया, तुमने मेरे बेटी पर बुरी नजर डाली, बलात्कार किया। तो कोई भी देश का संविधान उसे माफ नहीं करेगा। उसी प्रकार झूठी गवाही देने वाले ने यदि झूठी गवाही दी और बहुत बड़ा करोड़ों का नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया और साबित हो गया कि इसने झूठी गवाही दी, तो कोई देश का संविधान उसे माफ नहीं करेगा। इसी प्रकार नशापानी करना, ये नशापानी करना भी जब दफ्तर में जाते हैं, ठीक है घर में कुछ लोग करते होंगे नशापानी अपना खाली समय में, लेकिन जब कोई दफ्तर में जाता है, ऑफिस में जाता है, तो ऑफिस में 10 बजे से 5-6 बजे तक का जो ऑफिस का समय होता है, उस समय में कोई भी नशापानी किसी भी देश में ये अलाउड नहीं है कि उस समय कोई नशापानी करे। तो नशा पानी से वंचित रहना चाहिए
वो हमारे भी हित के लिए है, दूसरों के हित के लिए है, समाज के हित के लिए है। तो ये शील ये बहुत बहुत कल्याण करने वाला होता है। एक बार एक बड़ा शील का पालन करने वाला व्यक्ति बड़ा भूखा पैसा था, तभी भी उसकी ठीक नहीं थी, प्रवासी था, एक जगह पर एक आम के पेड़ के नीचे सो गया और कुछ समय तो सोया। एक ऊपर से आम गिरता है, तो आम गिरा, उसने देखा कि अरे ये तो आम गिरा है, तो क्या मैं उठा लूं क्या, मैं इसको खा लूं क्या। ऐसा उसका एक मन करने लगा, कहने लगा कि उठाओ खा लो, लेकिन दूसरा मन कहने लगा सील का पालन करने वाला कि नहीं, किसी का किसी का होगा, यदि मैंने उठाया तो चोरी जैसा हो जाएगा, किसने मुझे दिया नहीं तो जब तक कोई मुझे देता नहीं मैं नहीं उठाऊंगा। ऐसा उसका दूसरा मन कहने लगा और उसने नहीं उठाया, ऐसा ही वो सो कर रहा। उसके बाद कोई आदमी आता है वहां पर और देखता है, पूछता है कौन हो, कहां से आए हो, तो उसने कहा कि मैं फला फला गांव से आया हूं, तबीयत ठीक नहीं, ठीक भी नहीं है। तो पूछने लगा, बातें होने लगी और थोड़ी मित्र थोड़ी पहचान हो गई और कहता है कि भाई तुम तो जो भूखे हो तो आम तुम्हारे नजदीक पड़ा है, इसको खाया क्यों नहीं। बोले नहीं, मेरा सिलवान मन कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा जब तक कोई मुझे नहीं देता। तो ये उस आम का मालिक ही था, उस जमीन का मालिक था, उनसे मिला, सुनता है कि देखो ये कितना सिलवान आदमी, कहता है कि जब तक कोई देता नहीं मैं नहीं खाऊंगा, नहीं तो मेरे हाथ से चोरी हो जाएगी, नहीं उठाऊंगा इसे। उसने उसको हाथ जोड़ा, आम उसके हाथ में दे दिया कि भाई खाओ, तुम भूखे हो खाओ इसे, और उसको मदद करके, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, कहते कि अपने पीठ पर उठाकर वो ले गया किसी वैद्य के पास, वो जो मालिक खेत का मालिक। तो ये सोचने लगा इसके तो कोई मेरी जान पहचान नहीं है, ये कोई मेरा रिश्तेदार भी नहीं है जिसने मुझे अपने पीठ पर उठाकर मुझे ले जा रहा है वैद्य के पास, मुझे खाने के लिए इसने दिया है, क्यों किसके कारण, कौन हूं मैं इसका। तो सोचता है कि मैं जो सील का पालन कर रहा हूं ना, ये मेरे सील के पालन करने वाले उस पुण्य बल ने वही मेरा सहारा बना इस वक्त। यदि मैंने आम को उठाकर खा लिया होता, चोरी की होती, मेरा सील टूट गया होता तो शायद मुझे सहारा नहीं भी मिलता, लेकिन मैंने उसको नहीं खाया नहीं उठाया, मैं सील का पालन करते रहा, वो मेरा सहारा बन गया। तो इस प्रकार ये जो सत्सील होते हैं वो कौन से वक्त कैसे काम आएंगे इसको बता नहीं सकते, और इसील बड़े कल्याणकारी होते हैं। नहीं तो छोटी सी भी कोई गलती कभी कभी बहुत बड़ा आदमी का अहित कर देती है। अभी कैसी कहानी देखिए, अंगुलीमाल। अब ये अंगुलीमाल किसी के बहकावे में आकर उसको किसी ने, मतलब उसके गुरु को किसी ने बहका दिया, उसकी वजह से कितना बड़ा अनर्थ अंगुलीमाल के हाथों से हुआ था। वैसे अंगुलीमाल श्रावस्ती के एक पुरोहित ब्राह्मण का लड़का था और वो भी मुख्य पुरोहित, राजा प्रसेन जीत का मुख्य पुरोहित, उसका लड़का बड़े धनी परिवार से आया हुआ, बड़ा पढ़ा लिखा भी था, उसका नाम था अहिंसक, ऐसा उसका नाम था, बड़ा प्यारा लड़का, पिता धनी था,
वो तो पुरोहित था, राजा का प्रमुख पुरोहित। ऐसे बड़े परिवार से आने के कारण उस पुरोहित ने अपने लड़के को तक्षशिला भेजा पढ़ने के लिए। वो गया पढ़ने के लिए, बड़ा होशियार भी था, मित्रों के साथ पढ़ने लगा, एक साथ बैठकर पढ़ रहे हैं। कुछ सालों तक वहां रहना पड़ता है, गुरुकुल जैसी अवस्था थी पढ़ने की उन दिनों, तो वहां पर इसका निवास था, रहा। बड़ा होशियार हर चीज में, उसका जो शिक्षक टीचर, वो जो आचार्य, वो बड़े प्रसन्न थे इस पर, बहुत चाहते थे कि बड़ा होशियार है, हर चीज में होशियार, जो भी बताता हो बहुत होशियार है। लेकिन उसके साथ पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थी, उसके क्लासमेट, उसके वर्ग मित्र, वो बड़े जलते थे इसको, हर चीज में होशियार। और जो आचार्य ही इसको ही बहुत चाहता है, कोई पास जिसको ही बताता है इसको ही बहुत चाहता है। तो उन्होंने एक दिन प्लान किया, क्या करें? तो उन्होंने ऐसा प्लान किया कि वो आचार्य के कानों में, उनके पीछे जाकर, मतलब जब वो अंगुलीमाल नहीं था, कहीं बाहर गया था, तो उस समय आचार्य को कुछ एक दो लोग जाकर मिले, और एक दो लोगों ने उसके कान में कुछ डाल दिया कि देखो ये जो अंगुलीमाल है ना, मतलब उसका नाम अंगुलीमाल नहीं था उन दिनों, उसका नाम था अहिंसक, ये जो अहिंसक है ना, ये अच्छा नहीं है, इसका आचरण अच्छा नहीं है, तुम्हारी पत्नी पर इसकी बुरी नजर है। बस इतना ही उनको कह दिया। तो ये आचार्य बड़ा क्रोधित होने लगा, अरे ऐसा है तो मैं इसको दंडित करूंगा, बड़ा क्रोधित होने लगा। और आचार्य जानता था इसको दंडित भी कैसा करूं, अभी इनके जाने का भी वक्त हो गया है, कुछ अब एक दो महीने ही रहने वाले हैं, इसके बाद ही चले जाएंगे, तो इनसे मैं लड़ भी नहीं सकता, क्योंकि इतना होशियार है कि मुझसे भी ज्यादा, ये हर हुनर में इसने प्रावीण्य मिला लिया है, तो क्या करें। तो सोचने लगा, उसके मन में जो क्रोध बैठा हुआ था, किसी ने चुगली कर दी, तो मन में द्वेष बैठा, क्रोध बैठा है, और क्रोध के कारण वो कहने लगा अंगुलीमाल, मतलब उसको, ये अहिंसक को, जाते समय सब लोग आए गुरु से मिलने लगे, तो उसने कहा देखो अहिंसक, तुम मेरा एक काम करो, गुरु दक्षिणा के नाम से, उस समय गुरु दक्षिणा देने की प्रथा थी, तो बोले कौन सी आज्ञा आपकी है, ये तो बड़ा एक वचनी भी था, होशियार भी था। तो उसने कहा कि गुरु दक्षिणा के रूप में तुम बहुत होशियार हो, मेरे लिए 1,000 लोगों की उंगली है, मेरे लिए दक्षिणा करके ला कर दो, तो तुम्हारी विद्या फलवती होगी, तुम बहुत बड़े बन जाओगे। अब जैसा गुरु ने उसको बताया, बेचारा मानने लगा, अब टाल भी नहीं सकता, वचन भी दे दिया, तो वचनबद्ध थी, वचन भी दे दिया, और फिर वो प्रतिज्ञा करने के लिए वो डाकू बनता है, आने जाने वाले लोगों को मारता है, उसकी अंगुलियां गिनने के लिए अपने गले में डालता है, और इस प्रकार कितना बड़ा, मतलब उसने लोगों को नुकसान पहुंचाई, कितनी हानि की उन्होंने समाज की, लोगों की, और किसके कारण, छोटे से चुगली के कारण, गलत फहमी के कारण, किसी ने ईर्षा से, द्वेष से गुरु के कान भर दिए, और कितना हानि का वो कारण बना। तो ये दुस्सिल के कारण, यानी किसी ने चुगली कर दी और ये उस रास्ते से चलने लगा। तो कभी कभी छोटी बातें भी बहुत बड़ा जीवन में नुकसान कर लेती है आदमी का। तो अंगुलीमाल का एक पुण्य बलि समझिए कि उनकी कोई पुण्य पारमिता जगी,
और बड़े दुर्गति से जाते जाते बच गया वो। बुद्ध से उनकी मुलाकात हुई, बुद्ध उनको मिले, बुद्ध ने उन पर अनुकंपा की और पूरा बहका हुआ आदमी, हत्यारा आदमी वो आदमी बाद में साधु संत बन गया, अरहत बन गया और कहीं का कल्याण करने वाला बन गया। अरहत बनने के बाद उसने हजारों हजारों लोगों को रास्ता दिखाया, दुख मुक्ति का रास्ता, सुख शांति का रास्ता। तो ये सील बड़े कल्याणकारी होते हैं। तो सील का मतलब मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ऐसा ही नहीं। तो उसका सील का जो पॉजिटिव मीनिंग है कि मैं चोरी तो नहीं करूंगा लेकिन मदद करूंगा, जो भी अच्छा कर सकूं, सेवा देना, दान देना, लोगों की सेवा करना, ये मैं काम करूंगा। मैं किसी की हत्या तो नहीं करूंगा लेकिन उनकी जान बचाने का प्रयास करूंगा, उनकी सुरक्षा करूंगा, उनका पालन पोषण करूंगा। इसी प्रकार मैं व्यभिचार तो नहीं करूंगा लेकिन पराई स्त्री पर कोई अत्याचार, अन्य अत्याचार मेरे सामने होता हो उसकी सुरक्षा करूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। जैसे मेरी बहन की रक्षा मैं कर रहा हूं, मेरे माता की रक्षा मैं कर रहा हूं, ऐसी मैं रक्षा करूंगा। मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा लेकिन सही बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। इसी प्रकार मैं नशा पानी तो नहीं करूंगा लेकिन मैं नशा पानी जो करते हैं उन्हें भी सुधारने का, अच्छे रास्ते पर लाने का प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार ये जो सील की जो पारमिता है, जो आदमी जितना इस पारमिता का अभ्यास करता है उतना वो एक पुण्य बल संग्रहित होता है उसके जीवन में। और उसका यदि वो जिस किसी वक्त कोई दिक्कत आ गई, कोई परेशानी आ गई, कभी आदमी बीमार पड़ गया, तो उस समय बुद्ध कहते हैं कि अपने उस सील का स्मरण करो, अपने त्याग का स्मरण करो, अपने सेवा का स्मरण करो। तो देखो कैसे वो सील की शक्ति बन जाती है, वो एक बल बन जाता है और वो हमें ऐसे दिक्कतों से, परेशानियों से दृश्य अदृश्य रूप में हमें निकालता है, हमें बचाता है। इसीलिए उसे पारमिता कहते हैं। और ये मानव समाज में वो तो समाज सील पर ही, सदाचार पर ही टिका हुआ है। वहां ये समाज में स्वस्थ है, शांति है, न्याय है, कल्याण है, प्रगति है, सारी चीज। यदि हम कुछ प्रिंसिपल को पालते रहे, उसको मानते रहे, उस रास्ते से चलते रहे, तब परिवार का हित होता है, व्यक्ति का हित होता है, समाज का हित होता है, सभी का हित होता है। इसलिए ये पारमिताएं बड़ी कल्याणकारी है, बड़ी कल्याणकारी है। तो 10 पारमिताओं पर जो बोल रहे हैं, आगे देखिए कैसी कैसी महान पारमिता, कैसा कैसा कल्याण करती है हमारा और कैसी सार्थक बनती है हमारे जीवन में, हर चीज में। वो कैसा तथागत बुद्ध ने समझाया है, उसे जानकर हम भी अपने जीवन में उस पारमिता के रास्ते पर चलने का प्रयास करें, अपने जीवन को मंगलमय, धन्य धन्य बनाने का प्रयास करें। इसी में सबका मंगल है। आप सबको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले, सबका मंगल हो। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी।